सही है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, आर है। चलो एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, आई होप कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है मुझे लग रहा है, बट फिर भी हम इसको कर देते हैं क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट करना है, पूरे सोल्यूशन डालने हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है। कहता है इंग्लिश में फोर इक्वल रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो आर, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ है उसका भी रेजिस्टेंस कुछ आर है। द कॉम्बिनेशन इन सी बाय द बैटरी, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से मैं बैटरी लगाता हूँ प्लस माइनस, तो इस बैटरी के अक्रॉस, इस बैटरी ईएमएफ ई के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नेट। तो हम सबको पता है कि आर नेट इसका आर होता है, इसको याद कर लो आप, दैट इज सी ऑप्शन सही है। इसको आप ऐसे याद कर लो कि जब कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है और उस बैलेंस केस में फाइव रेजिस्टेंस सारे इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ये सारे इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस है क्योंकि इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है। तो अगर अब ये आर और आर सीरीज में आ गए और ये आर सीरीज में आ गए तो टू आर और टू आर पैरेलल में आ गए, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R मल्टीप्लाइड बाई 2R ऊपर का और डिवाइडेड बाई ये सम इनका 2R प्लस 2R, तो दैट इज 2R और मल्टीप्लाइड बाई 2R दैट इज इक्वल टू 4R। तो R ने R को खत्म कर दिया और 2 ने मतलब R, तो इस रिजल्ट को याद कर लो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ ब्रिज इज बैलेंस या फाइव रेजिस्टेंस आर इक्वल, ब्रिज इज ऑटोमेटिकली बैलेंस, और जब ब्रिज वो रेजिस्टेंस एक नेट रेजिस्टेंस किसी एक के इक्वल होता है, ठीक है।